यही विकास खंड है और इसी विकास खंड में ग्राम कांडी में ही उनका जन्म हुआ था। लेकिन 1940 के बाद उनको कभी इस धरती पर वापस आने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। उनके मन में कभी कभी इच्छा होती थी लेकिन इन्हीं कारणों से वो कार्यक्रम टल जाता। लेकिन वह अक्सर पूछते थे मुझसे कि वहां पर शिक्षा की व्यवस्था कैसे चल रही है, कैसे वहां के बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम खांगर में हुई थी। उसके बाद वो पढ़ने के लिए चमकोट ठा चले गए लेकिन मां बाप और परिवार के सभी सदस्यों के असामयिक निधन के कारण बहुत छोटी उम्र में ही उनको घर छोड़कर के जाना पड़ा। लेकिन एक लंबे समय तक पूरे देश का भ्रमण करते करते स्वाध्याय करते करते अंततः वह गोरखपुर में उस समय के गोरख से पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के संपर्क में आए और बाद में उन्होंने महंत दिग्विजयनाथ जी का शिष्योत्तर ग्रहण किया और वहां से उन्होंने उसे अपना कर्म क्षेत्र गोरखपुर को बना करके वहां पर धर्म के प्रचार का, अध्यात्म के प्रचार का, शिक्षा स्वास्थ्य लोक कल्याण के सिद्धांत के साथ जुड़े। पूरे देश के अंदर उनका भ्रमण होता था और उनकी इच्छा होती थी और इसीलिए उन्होंने मुझे 1996-97 में पूछा, कहा कि वहां के बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं। मैंने उनको बताया कि वहां पे कुछ जगह इंटर कॉलेज है लेकिन डिग्री कॉलेज कोटवार और इसी के बीच में कहीं नहीं है। उन्होंने कहा देखो अगर हो सके तो वहां एक डिग्री कॉलेज जरूर बने। और संजोग से उस समय यहां के कुछ लोगों की एक समिति मेरे पूज्य पिता के साथ उन्होंने संपर्क किया कि हम लोग एक डिग्री कॉलेज बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा जमीन कौन देगा? उन्होंने कहा वहां पर जमीन हम लोगों ने ले ली है, तय कर ले उस जमीन को आप ले लीजिए, हम आपको जमीन दे रहे हैं, आप उस जमीन पे वो कर जो भी करना है करवा लीजिए। और फिर इस प्रक्रिया को हम लोगों ने 1996-97 में प्रारंभ किया। प्रारंभ में केवल यहां पर कुछ क्लासेस प्रारंभ हुई लेकिन बाद में मैंने उनसे कहा मैंने एक परमानेंट मान्यता लेने की व्यवस्था कर। उत्तराखंड सरकार ने सरकारों में आवागमन, कभी सरकार आती थी कभी दूसरी सरकार आती थी, ये कार्यक्रम बाधित होता गया। लेकिन 2005 के बाद यहां पे नियमित कक्षाएं प्रारंभ हुई और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि महाविद्यालय के लिए जो जमीन ली गई थी उसी जमीन में यहां की तहसील भी बनी और तहसील के बाद महाविद्यालय भी यहां पर प्रारंभ हो चुका है। राजकीय महाविद्यालय के रूप में उत्तराखंड सरकार ने उसे मान्यता दी। पूरी जमीन पूरी प्रॉपर्टी जो भी महाविद्यालय की थी उत्तराखंड सरकार के पास है, उत्तराखंड सरकार उसको संचालित कर रही है। और मैं धन्यवाद दूंगा श्री धामी जी को, डॉक्टर धन सिंह रावत जी को, और उन्होंने यहां पर न केवल मानविकी से बीए की कक्षाएं जो चलती है उसके लिए बल्कि साइंस के लिए भी यहां पर आज उन्होंने यहां पर घोषणा की है। और मैं विश्वास करूंगा कि अगले सत्र से जब नया सत्र यहां पर अगली बार प्रारंभ होगा तो उसमें यहां पर साइंस की कक्षाएं भी क्षेत्र के बच्चों को यहीं पर पढ़ने का अवसर यहां पर प्राप्त होगा। आज पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की मूर्ति का यहां पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए यह व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे
इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया, मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। भाइयों बहनों, आज मेरे लिए और भी गौरव का विषय है कि यहां पर मुझे अपने स्कूली गुरुओं का भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने पहली से नौवीं क्लास तक यहां पर पढ़ा था, हांगर में, चमकोट खाल में। नौवीं क्लास के बाद मैं अपने पिताजी के साथ चला गया और मुझे आज इस बात का दुख है कि बहुत सारे ऐसे हमारे उस समय के गुरुजन जो आज नहीं है, लेकिन छह हमारे गुरुजनों को श्री राजेंद्र सिंह रावत जी, श्री रघुवीर सिंह नेगी जी, श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी, श्री महिमानंद बरवरा जी, सत्य प्रकाश बरठवाल जी, श्री हरिप्रसाद पुनियाल जी, इन छह गुरुजनों को यहां पर आज मंच पर मुझे सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे केवल उत्तराखंड के नौजवानों से एक बात कहनी है। मैं देख रहा था, मैं बहुत बार देखता हूं, सुनता हूं, और त्रिवेंद्र जी ने जब यहां पर मुख्यमंत्री थे उस समय यहां पर एक उत्तराखंड का उन्होंने आयोग भी बनाया था, पलायन आयोग बनाया था, और मुझे उस समय इस बात को लेकर के खासतौर पर इस बात की चिंता होती थी कि आखिर उत्तराखंड से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। यहां पर जितनी अच्छी शिक्षा है, जितना अच्छा माहौल है पठन पाठन का, जितना प्राकृतिक सौंदर्य है और जितनी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हमें आगे बढ़ाना होगा। और मुझे लगता है कि यहां का युवा जहां कहीं जाएगा वह अपनी प्रतिभा का लोहा अवश्य बनवाएगा, लेकिन उसे विश्वास होना चाहिए अपने आप पर। हम लोगों ने भी यहीं पर रहकर पढ़ा है, यहीं पर रहकर जाना है, कोई अतिरिक्त व्यवस्था के साथ हम लोग नहीं जिए थे, लेकिन आज जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, जब अच्छी सरकारें आती हैं तो लोक जीवन में व्यापक परिवर्तन का व्यवहार भी बनती है। आपने देश के अंदर परिवर्तन देखा होगा 2014 के बाद, कैसे पूरा देश आज चलता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे पूरे देश के अंदर एक नई ओज है, एक नया तेज है, लोगों के मन में एक नया उत्साह है। कारण है देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये देश फिर खड़ा हो चुका है, देश नई अंगड़ाई के साथ आगे बढ़ रहा है। और बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी जब उत्तराखंड आते हैं, एक बात के लिए आप सबको बार बार कहते हैं कि हमें अपने आप को समझना होगा, उत्तराखंड का पानी भी और उत्तराखंड का जवानी भी पूरे देश के काम आता है। और खासतौर पर मैं चले यहां उत्तराखंड से गया था तब ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, तो मुझे लगता है कि सन 2000 के पहले के जो लोग हैं वे सब भी उत्तर प्रदेश के ही वासी हैं। मूल रूप से जन्म उनका उत्तर प्रदेश में हुआ है, उनका जो मूल सर्टिफिकेट होगा उसमें उत्तर